मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त भरतपुर के दौरे पर हैं। कुम्हेर में महंगाई राहत शिविर का वो अवलोकन कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। तो तस्वीरें सीधी इस वक्त भरतपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करते हुए यहां पर सीएम अशोक गहलोत और इसके साथ साथ वहां पर जाकर खुद समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं यहां पर चलाई जा रही हैं, कितना फायदा लोगों तक पहुंच पा रहा है, क्या व्यवस्थाएं यहां पर लोगों को दी जा रही है, क्या ठीक तरीके से जो योजनाएं जिनका फायदा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से लेते हुए, जो वहां पर कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो लाभार्थी हैं उनसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करेंगे। तो कुम्हेर में महंगाई राहत शिविर का आयोजन, जहां पर लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। लगातार 61 दिन हो चुके हैं महंगाई राहत शिविर के, और ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी किए जा रहे हैं। हम लगातार आपको वो आंकड़े भी बता रहे हैं कि अब तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कितने लोगों को गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। तो आपको बता दें, रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया और उसके साथ ही करोड़ों लोगों को गारंटी कार्ड भी वितरित किए गए हैं। खुद इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि ताबड़तोड़ दौरे उनकी ओर से किए जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग महंगाई राहत केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और खुद लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद रहते हैं उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं सीएम की क्या दिक्कतें केंद्र पर आ रही है, उन्हें दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं और इसके साथ साथ अपने हाथों से गारंटी कार्ड भी वितरित करते हैं। और जब ऐसा होता है तो लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है, संतुष्टि, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव में इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, भरतपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अवलोकन कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर, बताइएगा जरा। प्रियंका, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुम्हेर के जो सैंत गांव है वहां पर पहुंच चुके हैं और महंगाई राहत कैंप का वहां पर उनके द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। कुछ देर बाद वो सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये छठा भरतपुर दौरा है। बयाना विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर के बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें सभी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा हो चुका है, और ऐसे में बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि ये जो चुनावी सरगर्मियां तेज हुई है तो इसको मुख्यमंत्री के दौरों को लेकर के काफी जो राजनीतिक चर्चा है वो हो रही है। और फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर रहे हैं, कुछ देर बाद वो विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और काफी संख्या में वहां लोग एकत्रित हुए हैं, उनको उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ कई कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह सहित आसपास के जो नेता मौजूद हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और लगातार ये लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचेंगे और महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करके जो लाभार्थी है उनको गारंटी कार्ड वितरित करेंगे। और वही देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर बाद लाभार्थियों से जो है मुलाकात करेंगे, उन्हें गारंटी कार्ड देंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, तस्वीरें हम सीधे देख भी पा रहे हैं जहां पर सीएम अब लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं, गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं, और चूंकि कुछ ही समय में सभा का भी आयोजन होना है दीपक, हालांकि चुनावी साल है लिहाजा इन तमाम दौरों को चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सीएम लगातार यही कह रहे हैं कि उनकी सिर्फ एक कोशिश है कि जो 10 योजनाएं हैं उनका फायदा लोगों तक पहुंच सके। दीपक, सभा स्थल पर क्या तस्वीरें हैं, कितना उत्साह वहां पर लोगों में? प्रियंका, सभा स्थल की बात की जाए तो हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं, पूरे आसपास के जो डींग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र है वहां के लोग पहुंचे हुए हैं और काफी राजनीतिक जो लोग हैं वो भी वहां पर, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। और देखिए, राजनीतिक सरगर्मियों की बात की जाए तो अब कुछ दिन बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर के भरतपुर संभाग जो है वो राजस्थान की राजनीति में एक अहम हिस्सा रखता है, यानी कि जो राजस्थान का मुखिया चुनने में जो भूमिका रहती है वो भरतपुर संभाग की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये छठा दौरा बड़ा महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और लग रहा है कि चुनावों से पहले मुख्यमंत्री और भी दौरे कर सकते हैं, इसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। और अभी बयाना विधानसभा बाकी रही है, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा नहीं हुआ है क्योंकि सचिन पायलट का फैक्टर ये बयाना विधानसभा में माना जाता है, तो इसलिए बाकी की जो विधानसभा है उनमें सभी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा हो चुका है और आज ये कुम्हेर जो विधानसभा क्षेत्र वहां का 7 गांव है वहां पर पहुंचे हैं और कुछ देर बाद सभा को संबोधित करेंगे। हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल दीपक, जब 6 महीने में छठी बार यहां पर सीएम खुद पहुंचे, ऐसे में अंदाजा लगाया
जा सकता है कि चुनाव में भरतपुर संभाग कितना मायने रखता है, लोगों के वोट्स कितने मायने रखते हैं। और इसके साथ साथ भरतपुर में आज कई सौगातें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं। दीपक, जरा बताइएगा कौन कौन सी वो योजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाना है। देखिए, ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है उसमें कोई कॉरिडोर बनाया गया है, उसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे और कई सड़क निर्माण कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा। जो बजट घोषणा के अंदर यहाँ पर जो घोषणाएं की गई थी उनका आज शिलान्यास और लोकार्पण होगा। जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं देते देते नहीं थकूंगा और आप मांगते मांगते थक जाओगे, वो विधायकों को बोलते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर जो बजट घोषणाओं के दौरान जो बजट जो घोषणाएं की गई थी उनका आज शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो है वो ये कि जो डीम कुमेर का जो बाईपास है वो है, कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनका आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि जो बजट घोषणाएं की गई थी वो कब धरातल पर उतरे, लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंचे हैं और योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इसी पल का लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो विकास कार्य है उनका शिलान्यास। बिल्कुल दीपक, बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाए ये बेहद खास हो जाता है, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से ये आरोप भी लगाए जा रहे थे कि बजट में घोषणाएं तो कर दी सीएम ने लेकिन और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों से भी बातचीत करते हुए यहां पर सीएम अशोक गहलोत को देखा गया। उनके चेहरे पर भी खास मुस्कान और रौनक देखने को मिली इस दौरान लाभार्थियों से बातचीत करते हुए यहां पर सीएम अशोक गहलोत। दीपक, ये जो तस्वीरें जब सीएम कहीं पहुंचते हैं महंगाई राहत शिविर में लोगों से बात करते हैं तो ये बेहद खास हो जाती है, क्योंकि लोगों के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस इसे लेकर संतुष्ट है कि आगामी चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। देखिए प्रियंका, मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं जब भी महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं तो लोगों से मुलाकात करते हैं, तो कई बार उन्होंने कहा है कि जनता में काफी जो खुशी है वो नजर आ रही है, महंगाई से जनता को राहत मिल रही है और संभवतः और है जो जनता है वो हमारा साथ देगी और दोबारा से हम एक बार सरकार बनाने में कायम होंगे, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। और जनता को राहत देने के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत जो कैंप है उनमें पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो कई तस्वीरें वहां की इस तरह झलकती है प्रियंका की जो देखने को मिलता है कि जो भावुक होकर के लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको आश्वासन देते हैं, गारंटी कार्ड उनको देते हैं, तो इसको लेकर के उनका कहना है कि लोगों में खुशी है, लोगों को महंगाई से राहत मिली है और इसी को लेकर के जो लोग हैं वो आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरह से उनका जो है रुझान रहता है उसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से सरकार बने और दोबारा से रिपीट सरकार हो, ये जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रयास जो है वो यहाँ पर नजर आता है और लोगों से वो इसी भाव से जो है मुलाकात करते हैं कि दोबारा से सरकार रिपीट हो और लोग जो है लोगों की जो प्रशंसा है, लोगों की जो खुशी है वो कांग्रेस के प्रति बनी रही, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चों से भी वो मुलाकात करते हैं, बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से भी मुलाकात करते हैं और कई बार देखा गया है कि जो बुजुर्ग महिला होती है वो भावुक होकर के मुख्यमंत्री के को आशीर्वाद देती हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें अगली बार चाहिए, ये भी कई बार देखने को मिला है। तो ये साफ हो जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पूरी तरह से चुनावी मूड में है और इसको लेकर के लगातार सभाएं हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हमारा जो अभी फिलहाल उद्देश्य है वो जनता को राहत देना है, इसको लेकर के वो कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है वो ये दौरे तो माने जा सकते हैं, क्योंकि देखिए भरतपुर में छठी बार दौरा हो रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, कामा हो चाहे नगर विधानसभा हो, उज्जैन विधानसभा हो, नदवई विधानसभा हो, चाहे अभी डीम कुमेर विधानसभा हो, सभी जगह का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरा कर चुके हैं और अब लगातार उनका कहना है कि जो जनता में रुझान देखने को मिल रहा है ये रुझान इस तरह से है कि सरकार आगे किस तरह से रिपीट हो वो प्रयास जो है वो किया जा रहा है और इसीलिए जनता को महंगाई से राहत देने का जो काम है वो किया जा रहा है। बिल्कुल दीपक, और जब सीएम पहुंचते हैं तो कुछ सुखद तस्वीरें भी निकल कर सामने आती हैं
जैसा कि आपने कुछ वाकया बताया जब कुछ बुजुर्ग महिलाएं उनको आशीर्वाद देती है। एक बार एक बुजुर्ग ने ये भी कहा था, साहब आप तो ग्रेट हो। और ये कुछ ऐसे पल हैं जो हमेशा याद भी किए जाएंगे, क्योंकि दीपक जब सीएम पहुंचते हैं तो व्यवस्थाएं वहां पर चार चौबंद नजर आती हैं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आती हैं जहां पर जो कुछ ऐसे केंद्र हैं व्यवस्थाएं वहां पर नाकाफी साबित होती हैं। अगर हम भरतपुर की बात करें दीपक, तो क्या वहां पर ठीक तरीके से आप देख पाते हैं व्यवस्थाएं? देखिए, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक मृदुल कचावा है वो बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की बेहतर व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की जो मॉनिटरिंग है वो लगातार बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नगर विधानसभा क्षेत्र के सीकरी में आए थे, वहां पर भी चाक चौवन व्यवस्थाएं देखने को मिली थी और यहाँ पर भी पूरी व्यवस्थाओं के बंदोबस्त की है, यानी कि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, किसी भी तरह का कोई मामला यहाँ पर संदिग्ध ना हो, उसको लेकर के बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया जाता है। मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं जो लगातार निगरानी बनाए रखते हैं और तीन चार दिन पहले से ही मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती है। जैसे कि कल हमने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज यहां पर आएंगे, तो उसको लेकर के कल जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंच करके तैयारियों का जायजा लिया था और तैयारियों को अंतिम रूप दिया था। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं तो बड़ी सुरक्षा में वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एडिशनल एसपी सहित डिप्टी एसपी और कई थानों के एसएचओ जो है वो उनको वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। पुलिस से अतिरिक्त जाब्ता वहां पर पुलिस लाइन से भेजा गया है, तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर नजर आ रहे हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो वो भी वहां पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं और जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक दोनों ने इस पूरे दौरे की जो कमान है वो संभाली हुई है और बड़ी संख्या में वहां पर जो वाहन है उनकी पार्किंग के लिए व्यवस्थाएं की गई है, रूट को डाइवर्ट किया गया है, सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की गई है। जी बिल्कुल दीपक, व्यवस्थाएं चार चौबंद है। तस्वीरें भी इस वक्त सीधी हम मंच से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त बड़ा अपडेट दर्शकों को बताते चले। मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद है, सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी उनके साथ देखा जा रहा है। और दीपक जरा बताइएगा कौन कौन से बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद है, भरतपुर से कौन से बड़े मंत्री इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहां मौजूद है, उनकी खुद की विधानसभा क्षेत्र है ये, वहां पर तो वो भी तैयारियों को लेकर वहां पर लगे हुए थे और कई सारे विधायक हैं वहां पर मौजूद है और कांग्रेस के चाहे निवर्तमान अध्यक्ष हों या ब्लॉक अध्यक्ष हों जिनकी अभी नियुक्ति की गई है वो वहां पर मौजूद है और बड़े चेहरों को तो आप देख सकते हैं कि मंच पर सुखदेव रंधावा वहां नजर आ रहे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं, उनके साथ और भी कांग्रेस के जो विधायक है वो वहां पर नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत केंद्र का अवलोकन करने के लिए कहीं पर भी जाते हैं तो उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ज्यादातर सभी दौरों में नजर आते हैं और कुछ दिन पहले जब वो नगर के सीकरी में आए थे तो उनके साथ कई विधायक भी मौजूद थे, जो बसपा से विधायक थे वो सभी वहां पर मौजूद थे और अभी भी यहां पर भी है, इसी तरह का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा को संबोधित करेंगे क्योंकि लंबा इंतजार हो चुका है, लोग उनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सुबह से ही लोग यहां पर पहुंच रहे थे, सुबह 9 बजे से लोगों को पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का जो वक्त था वो 11:30 बजे का था, लेकिन कुछ देर की देरी हुई और अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमें संबोधित करेंगे और उसके बाद विकास कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, बड़ी संख्या में भीड़ वहाँ पर पहुंची हुई है और निश्चित तौर पर लोग सुनने को बेकरार हैं कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलेंगे तो क्या कुछ बोलते हैं। हालांकि जब सीएम बोलते हैं तो महंगाई राहत कैंप का की तारीफ तो करते ही, अपनी योजनाओं की तारीफ तो करते हैं, इसके साथ साथ चूंकि चुनावी साल है ऐसे में जमकर बीजेपी पर उनकी ओर से हमले भी बोले जाते हैं। दीपक, इस प्रोग्राम के बाद आगे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के? देखिए, इस कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और महंगाई केंद्र का जो है निरीक्षण करेंगे जो जयपुर ग्रामीण में आता है वहां